मैं आपको यहां अंत में एक बात कहना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो सबकी सरकार होगी, गरीबों की, किसानों की, हर जात की, हर धर्म की, हर डिस्ट्रिक्ट की सरकार होगी। हम मिलकर इस प्रदेश को बदलने का काम करेंगे। तो हम एक साथ मिलकर हम इस प्रदेश को बदलने का काम करेंगे। आखिरी बात, आपको यहां सही दाम नहीं मिलता, ईवीएम उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। आखिरी बात मैं कहना चाहता था, जब तक यहां मक्के के कारखाने नहीं लगेंगे, तब तक आपको सही रेट नहीं मिल सकता। पंजाब में फूड प्रोसेसिंग के कारखाने हैं, इसीलिए पंजाब में सही रेट मिलता है। मैं चाहता हूं कि बिहार का किसान भी अपना धान, अपना मक्का बिहार में बेचे, पंजाब में ये धान ना बिके। और इसीलिए हमें मक्के को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रियां बिहार में लगानी पड़ेंगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम यहां आपके खेत के बिल्कुल पास मक्के को प्रोसेस करने की फैक्ट्री हम लगाएं। मैं यहां सिर्फ पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आया हूं, चुनाव है वो अलग बात है, मगर मैं आपके साथ रिश्ता बनाने आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हो, वो आप मुझे बता पाओ। मतलब एक दिन का रिश्ता नहीं, जिंदगी भर का रिश्ता होना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और यह आपने देखा होगा, चाहे एमवीएम हो, चाहे मोदी जी का मीडिया हो, मैं इन लोगों से नहीं डरता हूं। ये बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी जी अपनी मीटिंग्स में मेरे बारे में कहते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं तमीज से बात करता हूं, मैं बदतमीजी से बात नहीं करता हूं। और जितने भी वो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उतना मैं प्यार फैलाने की कोशिश करता हूं। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ प्यार से काटा जा सकता है। और मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा। चाहे मीडिया हो, चाहे ये मोदी वोटिंग मशीन हो, जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सच्चाई होती है, न्याय न्याय होता है, और हम इस व्यक्ति के सामने विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सोच के खिलाफ हम लड़ रहे हैं,
और हम उनकी सोच को हराएंगे। धन्यवाद।